जिंदगी बहुत कुछ हमें सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। हेलो, सलाम, नमस्ते, कैसे हो दोस्तों आप लोग? क्या आप लोग खुश तो हो? आखिर एक इंसान क्यों गमगीन होता है? क्या हमारे पास ढेर सारे पैसे आने से हम खुश हो जाएंगे? क्या पैसे से हम दुनिया की हर खुशी को खरीद सकते हैं? आखिर कैसे हम खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं? बेहतर जिंदगी यानी कि द बेटर लाइफ के साथ मैं हूं आपका दोस्त फारूक कैशर। जिंदगी की उलझनों में इस कदर उलझ गया था कि पिछले कई हफ्तों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही दुरुस्त आया हूं एक नए टॉपिक के साथ। उफ, क्या मुसीबत है, पैसे ना हो तो फसाद और हो तो उससे बड़ा फसाद। जी हाँ दोस्तों, हमेशा एक इंसान यही सोचता है कि अगर उसे ढेर सारा पैसा मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बन जाएगा। वो सोचता है काश मेरी लॉटरी लग जाती, या मुझे कोई खजाना मिल जाता, या कौन बनेगा करोड़पति में जीत जाता तो मैं दुनिया का खुशनसीब इंसान बन जाता। लेकिन हकीकत तो ये है कि ढेर सारे पैसे आने से हम अमीर जरूर बन जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम खुशहाल भी बन जाएं। सच्चाई ये है कि हम पैसे से खुशियां देने वाली तमाम चीजें तो खरीद सकते हैं, लेकिन उन पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। पैसे से हम खाना खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। दवाइयां तो खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छा सेहत नहीं खरीद सकते। पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन इत्मीनान, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन नहीं खरीद सकते। अगर पैसे से खुशी मिलती तो दुनिया का हर आदमी आज खुश होता। लेकिन हकीकत तो ये है कि अमीर लोग खुश तो दिखते हैं लेकिन होते नहीं। अमीरों की जिंदगी एक रेस की घोड़े की मानिंद होता है जो बस पैसे के पीछे भागता जाता है और जीना भूल सा जाता है। उसके पास न अपनों के लिए न बीवी बच्चों के लिए वक्त होता है। जो पैसा कमाता है उसे खर्च करने के लिए भी कई बार उसके पास वक्त नहीं होता। दोस्तों, बेशुमार दौलत और शोहरत आने के बाद इंसान की खुशियां मानो छीन सी जाती है। वो भीड़ में रहकर भी मानो तनहा सा हो जाता है। दोस्तों, मुझे याद है अपनी गुर्बत भरा बचपन। कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते वक्त सोचता था काश मेरे पास एक साइकिल होती। साइकिल आने के बाद सोचने लगा साइकिल चलाने में बहुत ताकत लगता है और मंजिल तक पहुंचने में वक्त भी। काश एक मोटरसाइकिल होता। बचपन का सपना जवानी में पूरा हुआ एक शानदार चाइनीज मोटरसाइकिल खरीदकर। उसके बाद जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो सोचने लगा काश एक गाड़ी होती। और फिर क्या था, किसी तरह से टाटा इंडिका कार खरीद ली। उसके बाद दोस्त यार बोलने लगे बड़े लोग तो इंपोर्टेड कार में चढ़ते हैं। उसके बाद इंडियन कार चढ़ने में शर्म सी महसूस होने लगी। दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनों से दूर और कई बार बहुत दूर हो जाते हैं। जैसा कि मैं अपने वतन और अपनों से दूर अमेरिका आ गया, और जब मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी तो मुझे देखना चाहती थी, मेरे सर पर हाथ रखना चाहती थी, लेकिन मैं इतना दूर था कि माँ की उस ख्वाहिश को पूरा न कर सका। मरते वक्त एक माँ की आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस गई। मेरी माँ हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दी और मैं बदनसीब बेटा सात समंदर पार मातम में आंसू बहाता रहा। अभी मेरे पास पैसे है, शानो शौकत है और बहुत कुछ है, लेकिन अब माँ नहीं है। दुनियावी चीजें तो हासिल कर ली, लेकिन मैंने माँ को हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, अगर आप खुशहाल बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास संतुष्टि यानी कि सेटिस्फेक्शन हो, न कि ढेर सारा पैसा। आप अपने से ऊपर वाले को देखना छोड़ दें और नीचे वाले को देखें। लालच एक बुरी बला है, इसे छोड़ दें। बीते हुए कल को भूलकर आज में जीना सीखें।
किसी भी तरह का टेंशन ना ले, टेंशन को पेंशन लेने भेज दे। हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि चाहे हम जितना भी पैसे कमा ले, लेकिन मरने के बाद हम खाली हाथ ही जाएंगे। कमाना ही है तो पैसे के साथ अच्छाई को कमाइए जो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। हर पल जिंदगी खूब जिए, अपने बीवी बच्चों माँ बाप दोस्त यार रिश्तेदार के साथ वक्त दे, दूसरों के लिए मददगार बने, हमेशा पॉजिटिव सोचें और नेगेटिव सोच से दूर रहें। चिंता फिक्र दिमाग की तरह है जो इंसान को अंदर से खोखला बना देती है, इसलिए फिक्र ना करें बल्कि ऊपर वाले पर उम्मीद रखें। गाएं गुनगुनाएं, अगर नाचने के शौकीन है तो नाचें, अच्छी फिल्में देखें और वो सब करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आज खुश रहें, आज जी भरकर जिए, क्योंकि न जाने कल हो ना हो, शायद कल तो आए लेकिन हम ही ना रहें कल को देखने के लिए। जब तक हम इस दुनिया में हैं, पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन कितना और किस कीमत पर हम पैसे कमा रहे हैं? कहीं पैसा कमाने और अमीर बनने की चाह में हम अपनों को भूल तो नहीं गए? कहीं हम अपनी खुशियों की गला तो नहीं घोट रहे हैं? बस याद रहे कि पैसे हमारे लिए है, न कि हम पैसे के लिए। पैसा हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वो पैसे किस काम के जो हमसे हमारी हंसी और खुशी ही छीन ले, हमें अपनों से दूर कर दे। दोस्तों, खुशी का खजाना आपके अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। सो स्टे हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ एवरी मोमेंट, एंड गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।